कहते हैं दोस्तों कि शिव भक्त अगर भक्ति भाव से भगवान की आराधना करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि सावन वो माह है जिसमें भगवान शिव का मात्र नाम ही श्रद्धा पूर्वक लेने भर से जीवन के अक्षत दूर हो जाते हैं, यानी कि जीवन की समस्याएँ दूर हो जाती हैं। इस पावन महीने में भगवान की असीम कृपा का पात्र बनना है तो आप भगवान शिव की पूजा अर्चना साधना पूरे मन से जरूर कीजिएगा। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपकी भक्ति अच्छी है, सच्ची है, तो भगवान शिव आपको सारी मुसीबतों से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए कमेंट सेक्शन में पूरे मन से सच्ची श्रद्धा से ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि जब सावन में गंगा स्नान कर रहे अपने भक्त की जान बचाने आए स्वयं देवों के देव महादेव, फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आपको देवों की भूमि हरिद्वार में हुए महादेव भगवान शिव की चमत्कार की ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि यदि भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। ऐसा ही हुआ हरियाणा के रहने वाले अजीत जी के साथ, जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है ये सच्ची घटना और बताया कि कैसे स्वयं महादेव ने सावन में मेरी जान बचाई। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अजीत जी हर साल सावन के महीने में कावड़ लेने हरिद्वार जाते हैं। साल 2007 में जब हर साल की तरह अजीत की इस साल भी भोलेनाथ की कावड़ लेने गाँव के कुछ लोगों के साथ हरिद्वार गए तो उनके साथ गांव के करीब 20 लोग थे। सभी महादेव की भक्ति में लीन भजन गाते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं। शाम के समय जब हरिद्वार में गंगा आरती शुरू होती है तो अजीत बड़े ही उत्साह से मां गंगा की पूजा करते हैं। जब अगली सुबह अजीत और उनके गांव के लोग गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे तो अचानक से बारिश शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी का बहाव तेज हो गया जिसकी वजह से गंगा में स्नान कर रहे सभी लोग किनारे को छोड़ सुरक्षित स्थान पर चले गए, लेकिन अजीत नदी में महादेव का नाम लेते हुए डुबकी लगा रहे थे। उसके साथ के लोगों ने अजीत को नदी से बाहर निकलने के लिए बोला, लेकिन अजीत महादेव की भक्ति में लीन नदी में लगातार डुबकी लगा रहे थे। नदी का बहाव धीरे धीरे तेज हो गया, आसमान में काली घटाएं छाने लगी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अजीत के साथ जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अचानक नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि अजीत नदी की लहरों में बह गया। सभी लोग चिल्लाने लगे और कहने लगे, अब इसका बचना मुश्किल है, अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अजीत को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि किसी की हिम्मत उतरने की नहीं हुई। नदी का उफान देखकर सभी गोताखोरों के पसीने छूट गए। सभी लोग महादेव से प्रार्थना करने लगे, भोलेनाथ अब इस भक्त की रक्षा करें। उधर अजीत नदी की लहरों में बहता हुआ जा रहा था और नदी के आगोश में समाने लगा था। अब अजीत भी समझ चुका था कि उसका अंतिम समय निकट आ चुका है। वो अपने अंतिम पल में महादेव को याद करने लगा और कहने लगा, महादेव मेरे बूढ़े माता पिता की रक्षा करना, अब मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। मेरे सिवा मेरे बूढ़े माता पिता का कोई नहीं है, उनकी रक्षा करना प्रभु। तभी वहाँ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। नदी के बीचों बीच एक साधु नदी में स्नान कर रहा था जिसके हाथ में त्रिशूल था, बड़ी बड़ी जटाएं थी। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतनी तेज लहरों के बीच वो साधु स्नान कर कैसे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे खुद माँ गंगा उस साधु को प्रणाम कर रही हो। जिस किसी ने भी ये मंजर अपनी आंखों से देखा वो आज तक भूल नहीं पाया। जब अजीत नदी की लहरों में डूबता हुआ साधु के पास पहुंचा तो साधु अजीत को उठाकर नदी के तट पर ले आया। वो साधु बिना कुछ बोले वहां से चला गया।
गया। अजीत उस समय बेहोश था। हरिद्वार में मौजूद सभी लोगों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। जैसे ही बारिश धीमी हुई, सभी लोग तुरंत भागकर अजीत के पास पहुंचे। उससे साधु के बारे में बताया कि कैसे एक साधु ने उसकी जान बचाई, लेकिन उसके बाद अजीत ने जो लोगों को बताया उसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए और बड़े बड़े साधु भी अजीत के चरणों में गिर पड़े। दरअसल दोस्तों, अजीत बताता है कि जब वो नदी में बहता है, वो बेहोश हो गया था, तो उसे सपना आया जिसमें स्वयं महादेव नदी के बीचों बीच खड़े हैं और उसे अपनी गोद में उठाकर बोले, पुत्र घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। तब वहाँ मौजूद एक दिव्य साधु अजीत से कहता है, बेटा तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम्हें तो स्वयं महादेव ने दर्शन दिए हैं। जिनके दर्शन करने के लिए साधु वर्षों की तपस्या करते हैं, उन्हें भी ये सौभाग्य नहीं मिलता। ये सुनकर अजीत की आंखों में आंसू आ गए और वो महादेव को धन्यवाद कहता है। इसके बाद अजीत भोलेनाथ की कावड़ लाता है और विधि विधान से महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को जल अर्पित करता है। इसलिए तो कहते हैं, भोलेनाथ भक्ति के भूखे हैं, और जो भक्त निस्वार्थ भाव से महादेव की पूजा अर्चना करता है, उनके नाम का गुणगान करता है, तो वो महादेव की कृपा का पात्र बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।